मायावती तक। आखिर तीन दशक तक नेताओं का चहेता क्यों बना रहा मुख्तार अंसारी? पॉइंट्स में समझिए पूर्वांचल की राजनीति का पूरा गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी। बात मुख्तार अंसारी की, जिसके मरने के बाद ना सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति गर्म हो रखी है। सवाल ये है कि आखिर सपा बसपा के बड़े बड़े नेताओं के दिल में मुख्तार के लिए इतनी जगह क्यों? आखिर क्यों वो तीन दशक तक नेताओं का फेवरेट पोस्टर बॉय रहा? कैसे मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव तक की सरकार में उसका सिक्का चलता रहा? इस रिपोर्ट में विस्तार से ये समझते हैं। सबसे पहले गाजीपुर और पूर्वांचल की सियासत को समझिए। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र, उत्तर में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिम में यूपी के अवध क्षेत्र से घिरा हुआ है। वाराणसी को पूर्वांचल का केंद्र माना जाता है। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें हैं। इनमें गाजीपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर और वाराणसी प्रमुख रूप से शामिल हैं। 1980 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति में माफियाओं का दबदबा बढ़ता गया। जाति के हिसाब से माफिया अपने अपने क्षेत्र चुनने लगे। जैसे हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पर फोकस करता रहा, धनंजय सिंह जौनपुर में एक्टिव था, तो वहीं लखनऊ के आसपास अजीत सिंह का रौला था। माफियाओं की इस लड़ाई में अंसारी परिवार से मुख्तार भी मैदान में कूदा। मुख्तार ने गाजीपुर और मऊ को अपना केंद्र बनाया। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुख्तार ने सामाजिक न्याय के नाम पर एक समीकरण तैयार किया। गाजीपुर में इस समीकरण को भूमियार वर्सेस ऑल कास्ट का नाम दिया गया। चलिए अब गाजीपुर का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। गाजीपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 10% है, तो वहीं यादव 20% हैं, वहीं भूमियार 10% के करीब हैं, जबकि सबसे अधिक दलित 21% हैं। मऊ का जातीय समीकरण क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मऊ में 19% मुस्लिम वोटर्स हैं, 21% दलित। मऊ में राजभर और नौनिया जाति पिछड़े में सबसे मजबूत हैं, जबकि अगड़े में भूमियारों की संख्या सबसे ज्यादा है। जिले की सदर विधानसभा सीट पर मुसलमानों और दलितों का दबदबा रहा है। यही वजह मानी जाती है कि मुख्तार अंसारी पूरे जीवन इसी सीट से चुनाव लड़ा और यहां उसका दबदबा बना रहा। मुख्तार अंसार कभी नहीं हारा विधायकी का चुनाव। 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अपने पहले चुनाव में उसने बीजेपी के विजय प्रताप सिंह को करीब 26,000 वोटों से हराया था। इस जीत के बाद मुख्तार अपने परिवार से विधानसभा पहुंचने वाला तीसरा सदस्य बन गया था। इसके बाद साल 2017 तक मुख्तार लगातार मऊ से चुनाव लड़ा और हर बार बड़े मार्जिन से जीता। 2017 चुनाव में मुख्तार अंसारी को करीब 8,000 वोटों से जीत मिली थी। मऊ एकमात्र सीट थी जहां 2017 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2022 के चुनाव में मुख्तार ने अपनी इसी सीट से बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा। अब्बास भी पिता के रिकॉर्ड को कायम रखने में सफल रहा। 2022 के चुनाव में मुख्तार ने अपनी इसी सीट से बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा। अब्बास भी पिता के रिकॉर्ड को कायम रखने में सफल रहा और 2022 के चुनाव में अब्बास ने बीजेपी के अशोक सिंह को करीब 38,000 के बड़े मार्जिन से हराया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार एंड फैमिली का कितना दबदबा रहा है। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, अंसारी परिवार का लोकसभा की 4 और विधानसभा की करीब 1 दर्जन सीटों पर सीधा दबदबा रहा है। लोकसभा के जिन सीटों पर अंसारी परिवार का वर्चस्व रहा है उनमें गाजीपुर, वाराणसी, घोसी और बलिया जैसी सीटें शामिल हैं। गाजीपुर से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार उन्हें समाजवादी गठबंधन में मैदान में उतारा गया है। 2019 में अफजाल गाजीपुर सीट से मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री मनोज सिन्हा को हराकर संसद पहुंचे थे। 2009 में मुख्तार अंसारी ने वाराणसी सीट से ताल ठोकी, लेकिन बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें 20,000 वोटों से हरा दिया। मुख्तार घोसी सीट से भी 2014 में चुनाव लड़ चुका है। यहां उन्हें 1,66,000 वोट मिले थे। बात विधानसभा सीटों की करें तो मुख्तार परिवार का गाजीपुर की 4, मऊ की 2, बलिया की 2 और वाराणसी की 2 सीटों पर दबदबा रहा है। वर्तमान में मुख्तार परिवार के सुहेब अंसारी और अब्बास अंसारी विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का पारिवारिक बैकग्राउंड। लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर दबदबे के अलावा पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार के दबदबे के पीछे की एक वजह उसका राजनीतिक बैकग्राउंड भी कहा जा सकता है।
मुख्तार के दादा अहमद अंसारी एक जमाने में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। मुख्तार के दो बड़े भाई भी जमीनी नेता रहे हैं। अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार के विधायक रहे हैं, तो वहीं बड़े भाई सिकबतुल्लाह 2 बार के विधायक रहे हैं। यही वजह है कि गैर बीजेपी दलों ने मुख्तार से परहेज नहीं किया और उन्हें अपने पाले में रखा, फिर चाहे वो सपा हो या बसपा। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी जिस भी पार्टी में रहे उसके वोटर्स उसी पार्टी को वोट करते हैं, यानी मुख्तार के चेहरे पर इन क्षेत्रों में वोटिंग होती थी। जैसे 2019 में मुख्तार का परिवार बीएसपी में था और इसका फायदा बीएसपी को घोसी और गाजीपुर सीट पर सीधा मिला, तो 2022 के चुनाव में मुख्तार का परिवार सपा की तरफ चला गया और दोनों जिलों में सपा को फायदा पहुंचा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर 3 दशकों तक नेताओं का चहेता क्यों बना रहा मुख्तार अंसारी, और अब उसकी मौत के बाद भी मुख्तार के नाम पर सियासत जारी है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।